कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब हमें कुछ समय इसके साथ ही जीना पड़ेगा, यानी कि ये वायरस हमारे जीवन शैली का भाग सा बनता जा रहा है। हालांकि इनसे बचने के लिए कई जतन सभी को करने के पड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जोधपुर के रेस्टोरेंट संचालक ने कोरोना को अपने मीनू में शामिल कर दिया। वैदिक रेस्टोरेंट संचालक अनिल कुमार ने बताया कि कोरोना के नाम से दो नई डिश डेवलप की गई है, कोरोना करी और मास्क नॉन। कोविड 19 में जो कोफ्ता डाला जाता है उसका आकार कोरोना वायरस की प्रकृति जैसा बनाया गया, जिसे बनाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, समय भी लगता है। इस करी के साथ जो नॉन परिसी जाती है उस कोरोना को बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार मास्क के रूप में दिया गया है। खास बात यह है कि प्लेट में डिश सर्व होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्लेट में कोरोना वायरस रखा हो और साथ में नॉन भी मास्क के रूप में परोसी जाती है। अनिल कुमार ने बताया कि ये समय ऐसा है जिसे कुछ नया करने को लोग आकर्षित होते हैं, ऐसे में हमने कोरोना को अपनी मीनू में शामिल कर लिया, इससे लोग पसंद करें और हल्के पुलके अंदाज में कोरोना के साथ जीने का प्रयास करें। स्पेशल डेस्क जोधाना अब तक न्यूज। देखिए कोरोना का ऐसा है कि कोरोना लंबे समय तक रहने वाला है, हमें उसके साथ ही जीना है, तो हमें पूरी तैयारी करनी है। उसके लिए हमें मास्क लगा के जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं, सारे काम करने हैं क्योंकि हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। इसी सोच को हम आगे बढ़ाते हुए हमने लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, तो हमने एक रेसिपी जो क्रिएट की है वो है कोविड करी। जो मलाई कोफ्ता है हमारा उसको हमने कोविड जो है वायरस का आकार हमने उसको दिया है, साथ में हमने उसके एक नान बनाई है जो कि मास्क के शेप में है, जिसको मास्क नान कहते हैं। तो उसका वही था कि लोग बाहर निकले, डरे नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ में इसको कोरोना से लड़ें, क्योंकि लंबे समय तक हमको इसके साथ जीना है।